इसराइल और हमास की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये उतनी ही घातक और विनाशकारी हो गई है। इजरायली सेना को दो फ्रंट पर मोर्चा संभालना पड़ रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें काफी बड़ी हैं। लेकिन फिर भी नेतन्याहू की ब्रिगेड मजबूती से डटकर हमास और उसके प्रतिरोधी गुटों का सामना कर रही है। एक तरफ यमन का हुती है, जो इसराइल और उसके समर्थन वाले देशों के मालवाहक जहाज के लिए नासूर बन गया है। वहीं दूसरी ओर लेबनान का हिजबुल्ला भी इजरायली सेना के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। हिजबुल्ला लगातार इसराइल के उत्तरी हिस्से पर हमला कर उसे दहला रहा है। हिजबुल्ला के ताबड़तोड़ रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमलों से इसराइल में तनाव चरम सीमा पर है। हिजबुल्ला की ड्रोन आर्मी ने इसराइली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की नाक से नीचे से निकलकर इसराइल के कब्जे वाली गोलान हाइट्स की काटजरीन बस्ती पर अटैक करके पूरे इलाके को दहला दिया। इसे हिजबुल्ला का नेतन्याहू के देश पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। हिजबुल्ला आए दिन अपने जोरदार हमलों से इसराइल के डिफेंस सिस्टम को हर रोज चुनौती दे रहा है, और इसी कड़ी में एक बार फिर हिजबुल्ला ने फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में और लेबनान के शहरों पर इसराइली आक्रमण के जवाब में कई हमले किए। इन हमलों को लेकर हिजबुल्ला की मीडिया यूनिट ने अलग अलग बयान जारी किए हैं, और साथ ही कई हमलों के फुटेज सोशल मीडिया पर साझा भी किए हैं। हिजबुल्ला ने किरियत शमोना पर रॉकेट से हमला किया, और इसके साथ ही इसराइल के करीब 14 सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया। लेबनान के क्षेत्रों पर इजरायली आक्रमण के जवाब में किए गए शुरुआती हमले में हिजबुल्ला के लड़ाकों ने खतरनाक हथियारों के साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल मेरोन सैन्य अड्डे पर हमला किया और मेरोन बेस पर लगे स्पाईवेयर को नष्ट कर दिया। उसके बाद ठीक 9:40 पर हिजबुल्ला की तोपखाना यूनिट ने अल मलिकिया सैन्य स्थल पर गोलाबारी की। इसके साथ ही प्रतिरोध ने इसराइल के कब्जे वाले कफार चौबा हिल्स में रुइसात अल आलम सैन्य स्थल पर भी हमला किया। हिजबुल्ला ने कब्जे वाले कफार चौबा हिल्स में इजरायली संपत्तियों पर हमला शुरू किया और इस बार अल सुमक्का सैन्य बेस को निशाना बनाया। प्रतिरोध ने लेबनानी शहरों और नागरिकों पर इजरायली हमलों का जवाब इन जैतिम बेस पर हमला करके भी दिया। फिर ठीक शाम 6:10 पर प्रतिरोध ने मेटुला सैन्य बेस पर हमला किया, जिसमें इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया गया। बता दें कि हिजबुल्ला का यह हमला इजरायली हमले के जवाब में था, जहां इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हवाई हमला करके कम से कम 6 लड़ाकों को मार गिराया और इस हमले में एक बच्चे की भी मौत हुई। इजरायली सेना लेबनान की दक्षिणी सीमा पर ईरान समर्थित हिजबुल्ला के साथ गोलीबारी कर रही थी, और दोनों एक दूसरे पर भयंकर तरीके से हमलावर थे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि दक्षिणी लेबनान के शहर मेस अल जबल में टायर हरफा पर इजरायली हमलों में 4 हिजबुल्ला लड़ाके मारे गए। एत्रून के बाहर एक अलग हमले में एक और लड़ाका मारा गया, लेकिन ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि लड़ाका हिजबुल्ला का सदस्य था या नहीं। हालांकि इसराइल ने दावा किया है कि आयता में मारे गए लड़ाके की पहचान मोहम्मद नजीम के रूप में की गई है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने आयता में नजीम को निशाना बनाया क्योंकि वह हिजबुल्ला की रॉकेट और मिसाइल यूनिट का सदस्य था। हिजबुल्ला के लड़ाके हर दिन और हर घंटे इजरायली सेना पर आग बरसा रहे हैं। हिजबुल्ला के ताबड़तोड़ रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमलों से इसराइल में तनाव चरम सीमा पर है।